बहुत बहुत स्वागत है आपका बिहार विशेष क्विज कॉन्टेस्ट में। और आज इस श्रृंखला में हम जिस विषय को लेकर आपके बीच में उपस्थित हैं, विषय है बिहार का की कला और संस्कृति। हमारे साथ प्रतिभागी के रूप में है अनामिका। बहुत बहुत स्वागत है अनामिका आपका। चलिए, कला और संस्कृति विषय से प्रश्न आपको पूछे जाएंगे और ये सारे प्रश्न बिहार से संबद्ध होंगे। पहला सवाल आपसे है, चार विकल्प सुनने के बाद ही उत्तर देंगे। पहला सवाल आपसे है, बिहार के किस जिला में बिहुला त्योहार, बिहार के किस जिला में बिहुला त्योहार का महत्व है और धूमधाम से लोग उसे मनाते हैं, काफी प्रचलित रहा है बिहुला त्योहार। जिला बताना है आपको, पटना, नालंदा, दरभंगा, भागलपुर। धीरे से हम बोले इसलिए भागलपुर नहीं, बेरूर से हो कर दिया है आपने। बिहुला भागलपुर से, बिहुला के बारे में जानते ही होंगे, बिहुला काफी यानी सती परंपरा वाली जो स्त्री हैं उनमें इनका नाम उसी सम्मान से लिया जाता है जिससे हम सम्मान की दृष्टि से सावित्री को, अहिल्या को देखते हैं, उसी सम्मान की दृष्टि से बिहुला को भी भागलपुर में लोग देखते हैं। अगला सवाल आपसे है, आपको ये जानकारी है कि बिहुला त्योहार को एक और नाम से जाना जाता है, बता सकती हैं? जी बोलिए। हर विषहरी पूजा के नाम से भी इसे हम जानते हैं। अगला सवाल, दूसरा सवाल आपसे, एक त्योहार होता है, लोक पर्व है, समा चकेबा, यानी लोक पर्व त्योहार है समा चकेबा, ये बिहार के किस क्षेत्र का मुख्य त्योहार है? भोजपुर, मगध, मिथिला, इनमें से कोई नहीं। मिथिला का समा चकेबा जी। पक्का? बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। समा चकेबा बिहार का मिथिला में मनाया जाने वाला त्योहार है। और किस महीने में मनाया जाता है, हिंदी महीना के अनुसार बोलिएगा। कार्तिक के शुक्ल पक्ष में, कार्तिक में मनाया जाता है। बिल्कुल सही उत्तर दिया। अगला सवाल आपसे है, बगैर देर की हम तीसरा प्रश्न आपसे पूछते हैं। एक व्रत होता है पीरिया जी, ये पीरिया व्रत बिहार के किस क्षेत्र में अत्यधिक प्रचलित है? भोजपुर, मिथिला, ए और बी दोनों, यानी भोजपुर में भी मिथिला में, और ना तो ए में ना तो बी में। भोजपुर में करेक्ट आंसर है। बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। बिहार में एक बड़ी मशहूर पेंटिंग है, मधुबनी पेंटिंग, नाम सुने हैं मधुबनी पेंटिंग की? मधुबनी चित्रकला विश्वविख्यात है। मैं मधुबनी चित्रकला से संबद्ध वाक्य बोलूंगा, आपको बताना है इनमें से कौन सा वाक्य सत्य है। पहला, यह एक लोक कला है। दूसरा, इसमें महिलाओं की ही पूर्ण भूमिका रहती है, इसमें पूर्ण भूमिका महिलाओं की है। तीसरा, यह दो प्रकार के चित्रों के द्वारा प्रदर्शित होता है, भित्ति चित्र और अरिपण। चौथा विकल्प यानी डी, इनमें से सभी। अर्थात यह एक लोक कला है, इसमें मुख्य भूमिका महिलाओं की है और यह चित्र दो प्रकार का होता है, भित्ति चित्र और अरिपण, तीनों सही है जी। आप भी सही हैं और बिल्कुल चार के चार प्रश्न का उत्तर आपने सही दिया है। पांचवा उम्मीद करें सही आने का जी। एक बहुत प्रसिद्ध चित्र कला है बिहार की, पटना कलम को ऊंचाई देने वाले, पटना कलम को मजबूत करने वाले अपने कलम से, चित्र के द्वारा कौन थे, यानी पटना कलम के महत्वपूर्ण चित्रकार कौन थे जिन्होंने की इस चित्रकारी की इस विधा को विकसित किया? सेवकराम, मेवालाल, शिवदयालाल, मंसूर। सेवकराम एकदम राइट आंसर, सही उत्तर दिया है। सेवकराम जिनका जीवन काल 1770 से 1830 ईस्वी के बीच था, इन्होंने पटना कलम की चित्रकारी शैली को विकसित किया। लेकिन हमें यह भी ध्यान में रखना है कि इसको जो ऊंचाई मिली, इसको ऊंचाई देने वाले में हुलास लाल, जयराम दास, ईश्वरी प्रसाद आदि चित्रकार भी सम्मिलित थे। और हम अपने श्रोताओं को ये बताना चाहेंगे कि यह चित्रकारी शैली जनसाधारण के जीवन पर आधारित थी, इसमें विशेष रूप से दैनिक जीवन में जो काम लोग करते हैं उसको चित्र के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। दैनिक जीवन में जैसे कोई खाना बना रहा हो, कोई चटाई बिन रहा हो, यानी दैनिक जीवन में घर में जो कार्य होते हैं, इसको लोग हल चलाना, कुदाल चलाना, ऐसे होते रहता है।
तो ये सब इसके मुख्य चित्रकारी के विषय होते थे। अगला सवाल है आपसे, ठुमरी नाम सुने हैं, एक नृत्य, लोक नृत्य ठुमरी बिहार के किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है, प्रचलित है? पटना, गया, दरभंगा, इनमें नालंदा? गया। गया, यानी गया प्रसिद्ध मतलब केंद्र है ठुमरी का, करेक्ट आंसर है गया। अगला सवाल आपसे है, बिहार में मिथिला संगीत परंपरा का प्रामाणिक इतिहास, बिहार में मिथिला संगीत परंपरा का प्रामाणिक इतिहास निम्न में से किस ग्रंथ से मिलता है? ध्यान से सुनिएगा, राज तरंगिनी, राग तरंगिनी, संगीत नाटिका और मान कौतूहल। राग तरंगिनी। राग तरंगिनी, क ख ग वाला या च छ ज वाला? नहीं, ग वाला, क ख ग वाला, राग तरंगिनी करेक्ट आंसर है। आप ये जानते हैं राज तरंगिनी के बारे में? राज तरंगिनी बड़ी प्रसिद्ध रचना रही है, किसकी रचना है? कलहन की। कलहन राज तरंगिनी है, लेकिन ध्यान में रखना है कि ये स्रोत जो हमें मिलते हैं वो राज तरंगिनी से नहीं मिलते, वो राग तरंगिनी से मिलते हैं। और अगला सवाल आपसे है, बिहार में ध्रुपद शैली का, ध्रुपद गान शैली के महत्वपूर्ण केंद्र हैं दरभंगा का अमता, बक्सर का डुमराव और पश्चिमी चंपारण का बेतिया, चौथा इनमें से सभी, यानी डी इनमें से सभी, इनमें से सभी, यानी कि बेतिया में भी, डुमराव में भी और अमता में भी जी। सब जगह मिलते हैं आपको, ध्रुपद गान के केंद्र हैं सब जगह। आप बिल्कुल सही हैं, ध्रुपद शैली के एक बड़े मशहूर प्रसिद्ध नृत्य नर्तक अब दुनिया में नहीं रहे, हम इस ध्रुपद गायन से ही यानी प्रश्न के साथ ही उनको याद करते हैं, महाराज बिरजू महाराज। चलिए, बिहार में कोजागरा एक व्रत होता है, आपको बताना है कोजागरा व्रत किस क्षेत्र में मनाया जाता है? पहले तो मैं आपको बता दूं कि इसमें माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है, इसमें माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है, आपको केवल ये बताना है कि किस क्षेत्र में कोजागरा व्रत में माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है, मगध में, मिथिला में, भोजपुर में, इनमें से कहीं नहीं। कोजागरा मिथिला, मिथिला बोल रही थी ना जी, बोल रही थी या हम फिर मी मी नहीं, मी मिथिला ही, बिल्कुल सही कर दिया है मिथिला, हमको लगा कि मी मी बोल रही थी तो मिथिला। अच्छा चलिए, प्रसिद्ध सहनाई वादक उस्ताद आज बता सकती है क्या? अब्दुल उस्ताद सहनाई वादक, चलिए मैं ही बोल देता हूँ, बिस्मिल्ला खान। हाँ हाँ, बिस्मिल्ला खान। बिस्मिल्ला खान का जन्म किस क्षेत्र में हुआ था? ऑप्शन ए मधुबनी, बी डुमराव बक्सर में, सी पटना सिटी में, डी सहरसा में। डुमराव बक्सर। डुमराव में जी, डुमराव में हुआ था जी। जी बिल्कुल सही। देखिए डुमराव के क्षेत्र में एक कारा की प्रजाति का, एक नरकट नाम का एक पौधा पाया जाता है जिससे कि ये बनता था सहनाई। चलिए अगला सवाल आपसे है, छोटा से इसी से जुड़ा हुआ है लेकिन क्विज कॉन्टेस्ट का नहीं है, ये आनुषांगिक प्रश्न है, अनुलग्नक प्रश्न समझिए इसको। अनुलग्नक प्रश्न यह है कि उस्ताद बिस्मिल्ला खान को भारत रत्न का सम्मान मिला किस वर्ष? 2001 में। सही उत्तर दिया है आपने। और अगला सवाल आपसे है, मंजूषा चित्र शैली किस क्षेत्र में लोकप्रिय थी? लोकप्रिय थी मैं कह रहा हूं, अर्थात धीरे 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 लुप्त हो रहा है, अब तो चाहिए हम लोगों को कि हम उसे थोड़ा सा जिंदा रखें, लेकिन ये लुप्त हो रहा है। आपको बताना है किस क्षेत्र में कभी प्रसिद्ध थी? भोजपुर, अंग, पाटलिपुत्र, नालंदा। अंग। अंग क्षेत्र अभी वर्तमान में कौन सा क्षेत्र अंग का है बता सकती है? यानी बिहार का जो वर्तमान अंग है, क्षेत्र है, उसमें कौन सा क्षेत्र कभी का अंग था? पटना। नहीं नहीं नहीं, पटना तो मगध का था। अंग मुंगेर। मुंगेर का। मुंगेर का करेक्ट आंसर है। अगला सवाल अगला है आपसे, बिहार के पेंटिंग विधा कौन सी निम्न में से है? कौन सी पेंटिंग विधा जो है वो बिहार में ही विकसित हुई? मधुबनी, श्रीरंगम, पिछवाई, इनमें से सभी। मधुबनी पेंटिंग, श्रीरंगम, पिछवाई, इनमें से सभी। मधुबनी। मधुबनी पेंटिंग सही कर दिया है आपने। एक बहुत बड़ा भारत का सबसे बड़ा पशु मेला लगता आयोजित होता है, सोनपुर का मेला, जिसे हरिहर क्षेत्र का मेला भी कहा जाता है। आपको बताना है यह मेला कहाँ पे आयोजित होता है? ऑप्शन ए सोन और गंगा के संगम तट पर,
ऑप्शन बी गंगा और गंडक के संगम तट पर, ऑप्शन सी निरंजना नदी के तट पर और ऑप्शन डी कोसी और घाघरा के संगम तट पर। गंगा और गंडक के संगम, गंगा और गंडक के संगम तट पर हरिहर क्षेत्र का मेला लगता है, पशु मेला लगता है जो बड़ा प्रसिद्ध है। सही उत्तर दिया है आपने। महात्मा बुद्ध के समय किन क्षेत्रों में गायिकाओं और नर्तकियों के उपस्थित होने के साक्ष्य मिले, यानी महात्मा बुद्ध का जब काल था तो किन क्षेत्र में गायिकाएं थी, नर्तकी थी, इसके साक्ष्य मिलते हैं, इसके ऐतिहासिक प्रमाण मिलते हैं। जो मैं विकल्प बोलूंगा उसके अनुसार आपको बताना है। ए में राजगीर से, बी में वैशाली से, सी में ए और बी दोनों, अर्थात राजगीर से भी और वैशाली से, और डी ना तो राजगीर से ना वैशाली से। सी राजगीर और वैशाली। राजगीर और वैशाली से। वैशाली की एक बड़ी प्रसिद्ध नृत्यांगना थी जिसे वैशाली की अंतिम नगर वधु कहा जाता है। आप बता सकते हैं कि वैशाली की प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन थी? जी आम्रपाली। आम्रपाली करेक्ट आंसर है। और अपने श्रोताओं को हम बता दें कि आम्रपाली के साथ अजात शत्रु के प्रेम संबंध भी थी और अजात शत्रु ने वैशाली पर आक्रमण भी किया। लगभग 16 वर्षों तक मगध और वैशाली के बीच में लड़ाई होती रही और अंत में वह जीत मगध की हुई। 15वां सवाल आपसे है, आपको बताना है कि निम्न में कौन मधुबनी चित्रकला के प्रतिनिधि हैं या कलाकार है? मधुबनी चित्रकला के कलाकार कौशल्या देवी, सिया देवी, शशिकला देवी, इनमें से सभी? इनमें से सभी। सबको जानते भी हैं आप क्या? सुनिए जी, सुनिए। बिल्कुल सही उत्तर दिया है। पटना में एक कलेक्ट्री और पटना कॉलेज का भवन स्थित है। आपको बताना है कि पटना कलेक्ट्री और पटना कॉलेज का जो भवन है, इमारत है, वह किस स्थापत्य कला की किस शैली का नमूना प्रस्तुत करता है? ऑप्शन ए डेन, ऑप्शन बी डच, हॉलैंड वाले डच कहलाते हैं। पूछा जाए डच कहाँ के कहाँ के निवासी को डच कहा जाता है? हॉलैंड वाले को। अंग्रेजी और फ्रांसीसी? हॉलैंड, हॉलैंड यानी डच शैली का करेक्ट आंसर है। अगला सवाल आपसे है, पटना सिटी में एक पादरी की हवेली है और बांकीपुर में एक चर्च है। आपको बताना है कि पटना सिटी में स्थित तो पादरी की हवेली और बांकीपुर का वो जो चर्च है, यह निम्न में से किस शैली के अनुरूप है, किस शैली का यह प्रतिनिधित्व तो करता है? गौथिक शैली, हिंदू इस्लामी शैली, यूरोपीय पुनर्जागरण की शैली, इनमें से कोई नहीं? गौथिक शैली। गौथिक शैली करेक्ट। हम बोल रहे हैं आपको क्या? हाँ बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। अगला सवाल है, पटना में स्थित राजभवन जहाँ राज्यपाल मोदी जी रहते, मुख्य सचिवालय और उच्च न्यायालय की जो इमारत है, यह किस शैली को का प्रतिनिधित्व तो कर रहा है, यानी वो उस किस शैली का नमूना है? वो हिंद इस्लामी शैली, डच शैली, यूरोपीय पुनर्जागरण कला की शैली, इनमें से कोई नहीं? यूरोपीय पुनर्जागरण कला की शैली। यूरोपीय पुनर्जागरण कला की शैली। 18 प्रश्नों का सही उत्तर आप दे दिए हैं। 19वां के बारे में क्या ख्याल है, क्या लग रहा है? सही दे दीजिए। तो चलिए सही दे दीजिएगा। निम्न में से कौन सी रचना फणीश्वर नाथ रेणु की नहीं है? आंचलिक कहानी के जन्मदाता कहे जाते हैं फणीश्वर नाथ रेणु जी। आपको बताना है प्रसिद्ध आंचलिक कहानीकार कथानक की कौन सी रचना इनमें से नहीं है? कितने चौराहे, विदेशिया, जुलूस, मैला आंचल? विदेशिया। विदेशिया इनकी रचना नहीं है, बाकी सब है। इनमें से कोई पढ़े हैं? जी मैला आंचल। मैला आंचल पढ़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सही हैं। यानी कि कितने चौराहे, जुलूस और मैला आंचल रचना है फणीश्वरनाथ रेणु की, वही विदेशिया इनकी रचना नहीं है। बिहार के किस विद्वान को मैथिल कोकिल कहा जाता है? फणीश्वरनाथ रेणु, भिखारी ठाकुर, विद्यापति, मंच मंडन मिश्र? विद्यापति। विद्यापति को, विद्यापति को कन्फर्म है? सही उत्तर दिया है विद्यापति को, और 20 में से 20 सही उत्तर दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद अनामिका, आप आई और क्विज कॉन्टेस्ट में हिस्सा ली। यूं ही हमारे साथ बने रहें। अभी बिहार से 31 मार्च तक, यानी मार्च में चूंकि हम लोग बिहार दिवस महीना कहले, बिहार दिवस तो मना ही लिए हैं, लेकिन ये बिहार की स्थापना के महीने हैं, तो इसमें बिहार से संबंधित तमाम भिन्न भिन्न विषयों के प्रश्नों के साथ उपस्थित होंगे, जो प्रश्न न केवल विविध परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं, वरन हमें इसकी जानकारी रखनी चाहिए क्योंकि हम बिहार वाले हैं। बहुत